हेलो गाइस, आज का टॉपिक है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ये टॉपिक बहुत बच्चों के लिए सबसे वन ऑफ द टफेस्ट माना जाता है क्लास 11 में, और यही सेम एप्लीकेशन है क्लास 12 में। सो ये जो टॉपिक है दोनों क्लास के लिए सेम ही होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। इसके लिए हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स, दैट मीन्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। सो यहाँ पर जो फंक्शन दे रखा है, हमें क्या बोला गया क्वेश्चन में, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। जो ये फंक्शन है इसका हमें डेरिवेटिव निकालना, लेकिन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। देखिए, मैं आपको आज बहुत ईजी तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ, बस आपको ये एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को लेके आप कोई भी क्वेश्चन डेरिवेटिव के फर्स्ट प्रिंसिपल के कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। जो फंक्शन आपको गिवन है 3x एट x इक्वल टू 2, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एट एक्स इक्वल टू 2, आपको ए के जगह पे आपको लिख देना है 2 और एच के जगह पे आपको एच ही लिखना है, बाकी सब कुछ सेम। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ए के जगह पे मैं क्या लिखूँगा 2 प्लस एच माइनस एफ 2 डिवाइडेड बाई एच। बस मैंने क्या किया, ए के जगह पे बस 2 लिख दिया, जिस पॉइंट पे हमें चेक करना हो। नाउ लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो, जब फंक्शन एफ एक्स दे रखा है तो 3x हो रहा है, तो फंक्शन 2 प्लस एच क्या होगा, जहाँ पर x है वहाँ पर 2 प्लस एच रिप्लेस कर देना, 3 के जगह 3 बस x के जगह 2 प्लस एच माइनस एफ 2। बस जैसे आपने 2 प्लस एच रिप्लेस किया था उसी तरह आप 2 को रिप्लेस कर दीजिए, 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई एच। देखिए आप क्या करोगे, लिमिट h टेंस टू 0, 3 टू जा 6 प्लस 3 इंटू एच 3h माइनस 3 टू जा 6 डिवाइडेड बाई एच। सो आपका आंसर आएगा लिमिट h टेंस टू 0, 6 और माइनस 6 कैंसल आउट, 3h बाई एच, एच इज कैंसल, तो आंसर इज 3। सो आपका फर्स्ट प्रिंसिपल से ये आंसर आ चुका है। आप चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो कि आपका आंसर राइट है कि नहीं, एक रफ वर्क में आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर आया है कि नहीं। तो हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x। सो 3 जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाता है, अगर किसी वेरिएबल के साथ जुड़ा है तो कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, 3 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। सो 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, सो आंसर इज 3। तो ये तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन है और इसको बोला जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। तो आपने जो इतना लंबा प्रोसेस कर रखा है कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग, आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो, लेकिन अगर बोर्ड्स में पूछा गया तो आपको ये मेथड मेंशन किया हुआ है, तो आपको इसी प्रोसेस से करना पड़ेगा। थैंक यू।